बड़ी ब्रह्मणा की बाजीगर बस्ती में आज जल आपूर्ति विभाग की ओर से पाइपें बिछाने का काम शुरू हुआ। चंद्र प्रकाश गंगा ने बताया कि ये काम 15,60,000 रुपए की कीमत से पूरा किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत होगी। अभी 15 लाख की जो लागत से जो अभी फंड आए हैं, 15 लाख की लागत से और 4 लाख 19 लाख ये अभी लगेगा और इस एरिया में टोटल पानी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और बाकी वाला जो पैसा है वो अगले फेज टेंडर में हो जाएगा। डीसी कठुआ रोहित खजूरिया ने बाल आश्रम कठुआ का दौरा कर वहां बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। मौके पर उनके साथ एडीसी कठुआ सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। पारिवारिक विवाद के चलते विजयपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने टॉयलेट क्लीनर पीकर विजयपुर थाने में पुलिस कर्मियों से उसके मरने के बाद अंतिम संस्कार करने का आग्रह किया। पुलिस ने तुरंत उसे जम्मू रेफर कर दिया, जहां फिलहाल उसका उपचार चल रहा है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ बिशन सिंह ने आज अपना पदभार संभाला। इस मौके पर विभिन्न संस्थाओं सहित रहबरे तालीम टीचर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने फूल अर्पित कर उनका स्वागत किया। देखिए जी, मैं आज यहाँ पर खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने यहाँ चार्ज लिया है सीओ कठुआ का, और मुझे ये खुशी होती है कि जब भी मुझे कोई नई असाइनमेंट मिलती है तो उसको मैं चैलेंज समझ करके उसको मैं अच्छे ढंग से चलाना चाहता हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट, मतलब सोच, ये मेरी प्रायोरिटी है। पटवार एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर कठुआ में आज भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। राज्य भर में पिछले कई हफ्तों से पटवारियों की हड़ताल जारी है, जिसके कारण आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने सरकार से कहा है कि जितने भी ग्रेजुएट पटवारी हैं, उनका ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे होना चाहिए और हमारे लिए पटवार खाना की कंस्ट्रक्शन कीजिए। जब तक पटवार खाना नहीं है, हमारे पटवारी भाई अपनी जेब से 1,000-2,000 रुपया देकर पटवार खाने का किराया देते हैं, जब जिनके घरों में हमने अपने कमरे लिए होते हैं पटवार खाने। जी की अपडेट रहे हमारे साथ।